हेलो स्टूडेंट्स, 22 जुलाई 2020 की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था, नाउ वी शैल डू क्वेश्चन नंबर 7। ट्वाइस ऑफ होल अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। सबसे पहले इसको हम सपोज कर लेंगे वाई, जैसे कि एज यूजल मैं करवाता हूँ। ट्वाइस ऑफ होल अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अक्सर लिखते हैं, वाई का डिफ्रेंशिएशन हो गया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, टू एज इट इज आएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है। अंडर रूट का डेरिवेटिव मैंने आपको 11th क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, 1/2√x होता है। तो इसका क्या हो गया, 1/2 ऑफ होल अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। देन इसके बाद ये जो आपने रूट का 1/2√x लिखा है, ये चेन रूल में से पावर का डिफ्रेंसिएशन आपने कर दिया। पावर के बाद किसका नंबर आता है, फंक्शन का नंबर आता है। फंक्शन क्या है अंदर, कॉट एक्स स्क्वायर। फंक्शन का होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ पावर। कॉट एक्स स्क्वायर का होता है, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो कॉट एक्स स्क्वायर का होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसके बाद एंगल का नंबर आएगा स्टूडेंट्स, एंगल क्या है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो 2x होगा। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दीजिए, या इससे ये वाला कर दीजिए, कोई सा एक भी कर सकते हैं आप। माइनस 2x बचा आपका, ये कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिख लिया 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये जो कॉट एक्स स्क्वायर है इसको होल अंडर रूट में लिख लिया कॉस एक्स स्क्वायर 1/sin एक्स स्क्वायर। रिवर्स हो जाएगा, होल अंडर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर ऊपर और होल अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर नीचे। डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, ये आपका होल अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, जिसको मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, होल अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, होल अंडर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। ये जो एक एक साइन एक्स स्क्वायर है, इसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, दो बार रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो किसी एक साइन एक्स स्क्वायर को होल अंडर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर और होल अंडर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, एक साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। एक पावर यहां से कैंसिल हो जाएगी, माइनस 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ये जो दोनों रूट में है इनको कंबाइंड रूट में कर लिया, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, माइनस 2x एज इट इज रहेगा साइन एक्स स्क्वायर। इस वाले अंडर रूट में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, जो 2 से डिवाइड किया है वो अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, माइनस 2√2x हो जाएगा, ये साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा अपॉन, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा आइडेंटिटी बन गई स्टूडेंट्स। कन्वर्ट किस में हो जाएगी, साइन 2 थीटा, तो ये हो गया साइन 2x स्क्वायर। दिस इज हाउ वी कैन गेट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, विच इज वेरी वेरी सिंपल। कॉस रूट एक्स वायलेट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स, ये पावर 1 है, 1 पावर का डिफ्रेंशिएशन इफेक्टलेस रहता है, सेम ही रखेंगे। कॉस रूट एक्स का करेंगे, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस रूट एक्स का हो गया माइनस साइन रूट एक्स। एंगल का करेंगे, एंगल क्या है रूट एक्स का ऊपर आपने देखा था अभी 1/2√x होता है, तो ये हो गया माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2√x, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे, तो इसमें लिखा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू होल मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। खुशी, एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट डिफ्रेंशिएटेबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है इसके अंदर कि जो फंक्शन है होल मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 वो डिफ्रेंशिएटेबल नहीं है। किस वैल्यू के लिए, एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपने एफ एक्स को ले लिया होल मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू आर। स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मॉडुलस को स्प्लिट करेंगे, उसको एक सिग्नम फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सिग्नम फंक्शन आपने 11th में भी पढ़े हैं ऐसे फंक्शंस। मॉडुलस को खत्म कर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां से प्लस का साइन कंसिडर करेंगे एक्स माइनस 1 रहेगा, ठीक है, और माइनस का साइन कंसिडर करेंगे तो ये माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं।
ये हो गया इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर वन रखते हैं या वन से बड़ा रखते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और अगर हम यहां पर एक्स की वैल्यू वन से छोटी रखते हैं तो ही यहां पर पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए यहां पर लेस देन वन लिखा गया है। आपको पता है डिफ्रेंशिएटेबल प्रूव करना है तो एलएचडी और आरएचडी को लेकर चलेंगे, और अगर कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है या डिसकॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है तो एलएचएल और आरएचएल लेकर चलते हैं। फिलहाल हम क्या लेंगे, एलएचडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या लेंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स माइनस एच बताया था, ठीक है, माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, लेकिन यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या है एक्स की, वन, क्योंकि इसने बोला भी ऊपर वन के लिए आपको प्रूव करना है कि डिफ्रेंशिएटेबल नहीं है, तो इसलिए यहां पर आया वन माइनस एच, क्योंकि हम वन से छोटी वैल्यू के लिए चलेंगे एलएचडी के केस में, तो एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जहां पर भी आप इस एफ वन माइनस एच को कंपेयर करेंगे एफ एक्स से, इसका मतलब है जहां पर भी एक्स है वहां पर क्या रखेंगे, वन माइनस एच, लेकिन किस केस में हम चल रहे हैं वन की वैल्यू, वन से छोटी वैल्यू के लिए, तो वन से छोटी वैल्यू इसमें होगी या इसमें होगी, ऑफकोर्स इसमें होगी, तो वन माइनस एक्स की जगह पर आ गया वन माइनस एच, जो यहां से आपने कंपेरिजन किया था, माइनस एफ वन, एफ वन को एफ एक्स से कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी, तो यहां पर एक्स की जगह पर वन रिप्लेस कर दीजिए, वन माइनस वन अपॉन नेगेटिव एच सेम रहेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये सारा सॉल्व कर आ जाएगा एच, और ये होगा माइनस एच, कैंसिल आउट होकर हो गया माइनस वन। ऐसे ही आपको सिमिलरली आर एच डी का स्टेप लेना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन होल डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको इससे कंपेरिजन करेंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वन प्लस एच, पर पुट कहाँ करेंगे, वन से बड़ी वैल्यू के लिए, क्योंकि वन प्लस एच का केस है, आर एच डी का केस है, तो यहां पर वन प्लस एच माइनस वन, ठीक है, और माइनस एफ वन को कंपेयर करेंगे यहां पर वन आ जाएगा, वन माइनस वन अपॉन एच, ये कैंसिल आउट होकर आ गया एच से एच वन, आप देख रहे हैं दोनों वैल्यूज डिफर कर रही है, इट मीन्स एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, देयरफॉर इट इज नॉट डिफ्रेंशिएटेबल एट एक्स इज इक्वल टू वन, बिकॉज दोनों वैल्यूज सेम नहीं है इसलिए डिफ्रेंशिएटेबल भी नहीं है। स्टूडेंट्स इसके बाद चलते हैं हम एक्सरसाइज 5.3 पर, जो क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 10 है 5.2 का, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, वो आपके सिलेबस से आउट हो गया है, वो आपके सिलेबस में अब नहीं है। 5.3 में अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है फाइंड डीवाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग, आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स,